चौटाला कहाँ है काले? चौटाला साहब। राम राम चौटाला साहब। राम राम भाई मंत्री। और बता कैसे आना हुआ? चौटाला साहब इलेक्शन सर पे हैं और आपके बगैर पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। और डांगी आजकल बहुत हवा में हो रहा है, उसको ठंडा करो। सुना है आपके दुश्मन बूरा का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है उसे। मंत्री, मेरी हवेली पे ना आया होता ना तो पूरा का नाम लेने से पहले थमना यहीं काट देता यहीं। चौटाला साहब आप तो बुरा मान गए। बैठो बैठो प्लीज बैठो बैठो। चौटाला साहब पार्टी को आपके सपोर्ट की जरूरत है, बाकी आप समझदार हैं। कैसी है मेरी लाडो रानी? बेटे तेरे आने की खुशी में सारे घर में रौनक आ रही है। डैड मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। चल ठीक है बेटा, तू एक बार आ तो जा। देख 2 बजे की फ्लाइट है तेरी, जरा ध्यान से आइयो बेटा। लेकिन डैड हर बार की तरह बारात लेकर मत आ जाना एयरपोर्ट पर। चल ठीक है बेटा, नहीं आते, कोई एक जन आ जाएगा तेने लेने, ठीक है? अच्छा बेटा, साहब ये भूरा का आदमी है, आपको मारने के लिए आया था, दबोच लिया साले को। मेरा जिंदगी में एक ही असूल है, मैं मंगलवार वाले दिन अपने हाथ गंदे नहीं करता। बोल क्या सोच के भेजा था उसने? बोल। मैंने कद गदारी नहीं करी, भले मेरी जान चली जा हंस के जान दे दूंगा, पर मेरे मरने के बाद तेरी बेटी ना बचेगी। मेरे आदमी जगह जगह उसका इंतजार करने लग रहे हैं। घमंड तोड़ना से उनका जो 2 दिन की बदमाशी करके बादशाह बनने की सोच रहे से। साहब बड़े परेशान लग रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? चौटाला साहब कालो, कल बेटी श्रेय लंदन से आ रही है वापस, पूरा से उसे खतरा हो सकता है। मैं चाहता हूं कोई ऐसा आदमी हो जो उसे सही सलामत घर पहुंचा दे, लेकिन आदमी भरोसे का होना चाहिए, है कोई? यह काम तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता साहब, जो अपनी जान पर खेलकर भोरा से आपकी बेटी को बचा कर ला सके। कौन है वो? अर्जुन फ्रॉम गुड़गांव। हाँ भी सेठ,
देख आज तो है 1 करोड़ की बात, जितना टाइम बढ़ता जाओगा उतनी तेरी कीमत भी बढ़ती जाओगी। कल 2 करोड़, परसों 3 करोड़, और इससे ज्यादा टाइम तो मैं भी नहीं तना दे सकता। और जब टाइम तक पेमेंट ना आई तो तेरा इस फूल की पंखड़ी किस तरह उड़ानी है वो मैं आप पे देख लूंगा। हैप्पी होली और काचे काट। कुत्तों के झुंड ने कैसे सोच लिया कि शेर का शिकार कर ले। सांसों में आग जला ले रे खून तै आज नहा ले। सांसों में आग जला ले रे खून तै आज नहा ले। तू अंश हरण चंडी का भैरव ने आज मना ले। रे बजा काल का डंका और फूंक दे सारी लंका। रे बजा काल का डंका और फूंक दे सारी लंका। माटी में माटी मिला दे अब ना तू घबरा। रे अर्जुन तीर चला। रे अर्जुन तीर चला। रे अर्जुन तीर चला। या पाप की हंडी भरगी इब जुल्म नहीं टिक पावेगा। रे तेरे खून की स्याही ते इतिहास लिखा जावेगा। या पाप की हंडी भरगी इब जुल्म नहीं टिक पावेगा। रे तेरे खून की स्याही ते इतिहास लिखा जावेगा। महाकाल की भस्म से तू माथे पर तिलक रमा। रे अर्जुन तीर चला। रे अर्जुन तीर चला। रे अर्जुन तीर चला। रे अर्जुन तीर चला। दुश्मन का दल हारेगा। पाप पुण्य के फेरे से तू सबने तारेगा। सबने तारेगा। हे भय भंजन अलख निरंजन अब हथियार उठा। कालू फोन लगाओ से। दो मिनट भाई। अर्जुन बात सुन। कीमत वो मांगी। शाबाश बॉस, बहुत बड़ा काम है, तैयार हो जा। देख मैं ठीक तो हाँ देख, तेरे को सब याद है ना, चौटाला साहब की बेटी है, लंदन से आई है। एक बारी लाइन बोल। बचाओ बच्चा। ओ यार थोड़ा नॉर्मल रख, ठीक है? प्लेट कूल, नेचुरल, ठीक है? नॉर्मल। हाँ, और याद रखियो, जब तक मैं कट ना बोलूं, मैं कट ना बोलूं, अपना करेक्टर नहीं छोड़ना। असली फील्ड टेस्ट है ये। फिर मूवी भी दिलाऊंगा। पक्का? हाँ, अब मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तैयार रहियो। बचाओ। नेचुरल। ठीक है, एक्ट नेचुरल, एक्ट नेचुरल, ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
हिमाचल की ओए आख लगे लुधियाने की लाल गाल कश्मीरी पन्नी नाक तेरी हरियाणे की इस उतने भरी बोली में यो राजस्थानी टच लगे हाय रचमा कच लाग गए कसम ते कच लाग गए कसुटी कच लाग गए हेलो हेलो यस प्लीज चौटाला साहब की बेटी ओ तो तुम आए हो पिकअप के लिए जी थैंक गॉड पापा ने इस बार बारात नहीं भेजी चले चलो हेलो मेरा बैग कौन उठा के रखेगा गाड़ी में अपने घर कॉल करके पूछ ले कोई आ रहा तो ठीक ना तो बिना बैग के चल हाँ व्हाट द हेल इज दिस पापा भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं स्टूपिड नॉनसेंस रोक रोक ओ इजी छोड़ मुझे छोड़ ओ पाजी आप पागल हो गए हो ये चौटाला साहब की बेटी है पता है कितनी इंपॉर्टेंट है मैडम हाँ चौटाला गल और इसमें ओ पाजी अगर इसको लेके जाना ना पहले आपको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा ओ अच्छा घोड़ा दे रहा है अच्छा ले फिर या इच्छा ही पूरी कर दिया तेरी पाजी आप तो सीरियस ही हो गए ले जो मैम को मैम ऐसे कैसे ले जाओ छोड़ मुझे ले चलो रे ओ ध्यान से लेके जाइए थोड़ी नाजुक चल 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 सुन कट बोल दूंगा मैं ले जो मासी जी को बुआ को तो ले गए फुफड़ जी आज मौसम बड़ा बेईमान है वैसे नाम क्या है तुम्हारा ड्राइवर होके इतना एटीट्यूड हाँ इट्स ओके वेब्स लंदन नहीं है ये डार्लिंग Love me or hate me, but still I am your boss. कोई बात कहाँ से? ताकि के हाँ घोड़ा मारूं बात वो पिया सन का तुम पर जुना कल का पार्ट पर का सब्जी ओ सब्जी ले आए चौटाला की छोरी ने शाबाश छोड़ मुझे रैया कौन सी थारी पुआने ठाला है बहन चो दो एक काम ठीक से ना हो थरते या चौटाला की छोरी को ना भज्जा उड़े तो मेरे सासू के ले जाओ अपनी बुआ ने लग मने इतना करना पड़ेगा बड़े ही अजीब अकड़ू इंसान है सीधी तरिया से मान जाए तो ठीक सर नहीं तो अपने तरीके से समझा दिए और एक बात कान खोल के सुन लिया मन्ना अर्जुन गुड़िया कहाँ है छोटाड़ा साहब दिल में भोड़ा दिमाग में रोड़ा असली जाट की पहचान होया करे और जाट कदे जुबान ते ना जाया करे ओह शाबाश बेटा डैडी
कैसी से मेरी गुड़िया? ब्यूटीफुल एज ऑलवेज डैडी। दादी ओ आगी मेरी लाडो रानी। बेटी सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे दादी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो आपका ड्राइवर, वो तो बड़ा ही अकड़ू है। कितना अकड़ू है, नखरे ही खत्म नहीं होते उसके। मुझे तो गूंगा बहरा भी लग रहा था। अरे चल छोड़, चल अंदर चल तू। हाँ। संभाल लिए। ले भाई अर्जुन, ये सब तेरे काम की कीमत। मेरे लिए काम कर, तेरा कारोबार संभाल। मुझे तेरे जैसे भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। चौटाला साहब, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ। मेरी नज़र में भरोसा सिर्फ पैसा है, बाकी सब धोखा। ठीक सा है, ठीक सा है। ठीक है फिर, पैसा तू चाहे जितना, लेकिन काम हम चाहें उतना। मंजूर है? मंजूर। चल ठीक से। ठीक है चौटाला साहब, जय भोलेगी। राम राम। कालू, छोरा तो थमना एकदम मार पार ढूंढे से। शाबाश। ओफो, सारी मशीन आपने डैमेज कर रखी है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। ये क्या कर रहे हो आप लोग? बेटी, तेरे ताऊ की छोरी का ब्याह है और उसमें जान की तैयारी कर रहे हैं। ओ वाओ, ट्रेडिशनल वेडिंग, मैं भी जाऊंगी क्या वहाँ पे? तू और इन कपड़ों में? इनमें क्या खराबी है? बेटी, जब हमारे साथ ब्याह मचालना है ना, तो बाजार में जा और सोने सोने कपड़े ले गया। मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप कैसा रहेगा मासी? ये लो बेटी, मिनी स्कर्ट नहीं, कोई साड़ी लहंगा सूट जिसमें पूरी ढकी जा। ठीक है, आज ही जाती हूँ। लड्डू सुन, सुन बेटा। हाँ दादी। देखे एक ली मत जाइए बाजार में, अर्जुन ने गैल लेकर जाइए। ठीक है दादी। हाँ। या देखियो जी, छोरी खातर ठीक से ना? चौटाला साहब, डांगी का तुरा बांध दिया है, इब वो कदे मारे साहब मिसर नहीं ढापा होगा। ठीक ठीक है चौटाला साहब, ठीक है जी, ठीक। सुनो मिस्टर अर्जुन, मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है और दादी ने बोला है तुम करवाओगे। टाइम नहीं है, काम है मुझे कुछ, सॉरी। ठीक है, जब मैं लंदन अकेली जा सकती हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, बाकी पापा देख लेंगे तुम्हें। रुको, चलो मैं भी चलता हूँ, पर कृपया करके अपना मुंह बंद रखिए। और तुम अपनी अकड़ कम रखना।
ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्जुन ये लोग कौन? कोई नहीं, रास्ते में बताता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है, चलो। कौन थे ये लोग अर्जुन, और इन्होंने मुझ पे गोली क्यों चलाई? ये सब चौटाला साहब के दुश्मन भूरा के लोग थे। थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। एक बात पूछूं तुमसे? बोलो। तुम हमेशा से ही ऐसे हो क्या? कैसा? खड़ूस। और बताओ ना अपने बारे में, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, एक मौसी है और एक दोस्त है नीटू। अब से मैं भी हूं। भाई साहब गणी रौनक लाग रही है। चिंता हो रही है, बालक बड़े हो गए की डाल ब्याह। सही कह रहे भाई साहब, और छोटे टाइम की बिना भगवान ने सबके अपने कर्म लिखे हैं। चिंता की कोई बात नहीं, बड़का का न्यू है नहीं, बेरा कदमे का जवान हो गया। बात तो सही कही आपने भाई साहब, आजकल के छोरे छोरियां घने एडवांस हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँ कि हमें भी बच्चों से सीख लेनी चाहिए। अब हमारी बेटी ने देख लो, इतना बड़ा शहर सैलंडन अकेली मैनेज कर रही है। अच्छा आ रही है क्या बेटी? अरे अरे बात तो बैठी है, मेहंदी लगवा रही है। अरे बेटी श्रेया इधर आ। ए श्रेया उरे ना आ जी। आए इतनी दूर तेरा जी लाग रहा है? ताऊ जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देख लिए बेटी, इब नंबर 13 इस है। पर ताऊ जी लड़का मुझे मेरे ही टाइप का चाहिए, फ्री माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला। पर यहाँ तो सारे लड़के अकड़ू और खड़ू से। देख ले भाई साहब, चोरी की डमंडे बढ़ रही से। और क्या डेथ बढ़ेंगी नहीं, लंदन में रहती हूँ मैं। अरे आप लोग बात करो, मैं जरा फोन सुन लूं। और बेटी सारे खड़ूस ना होते, अच्छे भी हो से, घनी टेंशन मत ले। अरे या डीटे डिलान लाग रही, नसीब दिला लो ना, मारूंगा कान पे। हाँ जी चौधरी साहब फरमाए। हाँ जी हाँ जी सब ठीक है। अरे भरोसा रखो चौधरी साहब, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। वैसे ये अकड़ू और खड़ूस तुमने मुझे बोला है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ कैसे बोल सकती हूँ, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है, नेक्स्ट लेवल वाला। वैसे बेइज्जती और सर्दी जितनी ज्यादा फील करोगे उतनी ज्यादा महसूस होगी मिस्टर अर्जुन। अर्जुन हेलो, क्यों दिमाग? अर्जुन हट जाने, देखा ना सब बदमाश वो छड़ेगा। जय भाई। आओ अर्जुन आओ। छोड़ दे रे, ना आन दे। हट एंड चौद, दिखा दी अपनी औकात, कर दी गद्दारी। कितना विश्वास किया था अर्जुन तुझ पर, सारा विश्वास तोड़ दिया, विश्वास घाती। रे बावली बूच, अर्जुन तो था मेरा आदमी, इब देखूंगा चौटाला ने रुकी छोरी ने। तुम जैसे हजारों आए और चले गए भूरा, जब तक मैं हूं ना
चौटाला साहब की गर्दन तो बहुत दूर की बात है, उनकी खुली हुई जूती को भी छू नहीं सकता। तू क्या सोचा था, बस तू ही नजर रख सके। अर्जुन सिर्फ एक ही चीज के लिए वफादार है, वो है सिर्फ पैसा। पकड़ो रे। बुरा काम हो गया तेरा, मेरा आदमी बाहर खड़ा है, पैसे पहुंचा दो। अर्जुन यो सिस्टम तो बैठ जो बढ़िया रच दिया, एक काम और रह गया। अर्जुन अपना काम कदे अधूरा ना छोड़ता। आई लाइक इट। अरे कालू कित गया। अरे अर्जुन तुमने कालू को देखे क्या? कितने ईर ताड़े आंडे था वो आड़े कितने। हेलो रे चुटाला, कर दिया तेरे काले का तो राम जी काड़ा। व्हाट्सएप चेक कर। बेटी चोद, मैं चुप चुप के वार कर रहा है, एक बार सामने आके आर पार क्यों नहीं कर लेता है साला राम खोर तेरी। क्या हो गया चौटाला साहब? अर्जुन भूरे ने कालू को खत्म कर दिया, क्या देख अब इस भूरे का काम तमाम करना पड़ेगा। हो जाएगा सर। और एक बार ध्यान रखिए, सारे परिवार ने लेके सेफ्टी के साथ घर पहुंचा दिए, ठीक है? ठीक है सर। और घर पे जाके सोच इस भूरे का करना क्या। ठीक है, सोचता हूं। बूम। चल गाड़ू जल्दी लेकर भाग भाग भाई जल्दी। यार अर्जुन भाई, एक तरफ तुम मेरी जान बचाता है, एक तरफ तुम गद्दारी करते हो, ये क्या हो रहा है यार भैनचोद? टाइम आन दे तने सब बेरा पड़ जाएगा, जब तक जितना कहूं उतना कर, पैग ले भड़क मत ले। अच्छा अच्छा। यहाँ कब क्या होता है, कैसे होता है, ये सिर्फ मालिक जानता है। क्योंकि ये वॉरलैंड है, वॉरलैंड। थक गया यार इन बातों से, इन बाप बेटी का रिश्ता ही समझ नहीं आता, इनका चक्कर क्या है? ना शक्ल मैच करती ना अकल मैच करती। अकल और शक्ल मैच कैसे करेगी, असल में वो बाप बेटी नहीं है। मतलब चौटाला साहब की बेटी नहीं है? चौटाला चौटाला ही नहीं है। क्या? के मतलब असली चौटाला को तो आज तक हमने ही नहीं देखा, मालिक का कॉल आ जाता है और काम हो जाता है। मालिक का कॉल आ जाता है और काम हो जाता है, चौटाला चौटाला ही नहीं है। ओ, डोले शोले, क्या बात है मिस्टर अर्जुन, कहीं किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे ना ये सब? मैडम मैं इन पंगों में नहीं पड़ता, लड़की मतलब टेंशन और धोखा बस। तुम लड़कों की वही पुरानी प्रॉब्लम, सारी लड़कियों को एक जैसे समझ लेते हो, एक लड़की धोखा देती है सबको बदनाम कर देते हो। वैसे आज तक कितनी लड़कियों के साथ गए हो डेट पर? मैडम मैं डेट पे नहीं, तारीख को भेजता हूँ। किसी ने सच ही कहा है, हरियाणा के लड़के ना कभी लड़की को नहीं समझ सकते। लड़की? अरे कहाँ लड़की, कहाँ है भाई लड़की, मैंने तो ना दिख रही। कितना भाव खा रहा है।
मैडम आप मेरा सेब खा सकते हो और मैं पाव भी नहीं खा सकता। वैसे कपड़े देखे आपने अपने, कहाँ से लगते हो लड़की? देखी ना जी लंदन की। दादी 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 सुनो, दादी दादी सुनो। यो मासी मुझे आप बताओ यहाँ की लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनती हैं? बेटी उरे की छोरी है ना सलवार कुर्ता पहरे हैं और सिर पर दुपट्टा रखे हैं, और तू जो ये लत्ते पहन रही है ना इन्हें पैर के बाहर लिकड़ी ना तो गली के कुत्ते लग जाएंगे। मासी ये फैशन है और लंदन में सारी लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, उनके पीछे तो कुत्ते नहीं पड़ते। हाँ इसे फैशन ने तुम्हारा बट्ठा बिठा दिया, हमारा ये टाइम बढ़िया था। ये जो देखिए किसे लत्ते पैर रखे से नुई ने बेरा पर्दा छोरा सक छोरी। तो मासी आप मुझे बताओ ना मैं कैसे कपड़े पहनूं जो लड़की लगूंगी? बेटी सलवार कुर्ता पहन के और पाया में जूती और सिर पर दुपट्टा लेके चल लगी ना जीव लग गई हरियाणा की छोरी। अब बताती हूँ बेटा, बड़ा भाव खा रहा था ना। कौन खा था बा? कुछ नहीं मासी मैं आती हूँ। चलिए मिस्टर अर्जुन हमें शहर घुमा के लाइए। हाँ। क्या हुआ जनाब? अरे भगवान इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? भगवान बिल्कुल वैसे ही कर सकता है जैसे तुम लड़की को लड़की ना समझकर कर सकते हो। कुछ सुना क्या? नहीं आवाज आनी बंद हो गई है। चले तू मेरे दिल में उतरने लगा है, खाली पंथा जो वो भरने लगा है। पहले कहा तुम अब तो यही बस दुआ है रहूं मैं वहां हो जा तू। देखो तुम्हें तो मैं सोचूं थे इससे पहले कहा तुम अब तो यही बस दुआ है रहूं मैं वहां हो जा तू। तेरी हर खुशी मैं हूं मेरी खुशी, तेरा हर गम हो बस मेरा, तेरे संग मेरी रातें हो ये सुबह जैसे सच हो कोई ख्वाब सा। गुस्सा भी तेरा प्यारा सा लगने लगा है, कैसे मैं कहूँ जब तूने ही कुछ ना कहा। तू मेरे दिल में उतरने लगा है, खाली पंथा जो वो
भरने लगा है, मेरे दिल में उतरने लगा है, खाली पंथा जो वो भरने लगा है। खामियां हैं ढूंढे से मिलती नहीं जो भाई, मुझे ना ये बातें मुझसे जो तुम कह रही हो, आज मैं हूँ यहाँ कल जाने कहाँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जिंदगी है मेरी मुझको है पता, धुएं से ज्यादा कुछ भी नहीं, संग तेरे रहना दिल ये मेरा चाहता है, कैसे मैं जब तूने ही कुछ ना कहा, तू मेरे दिल में उतरने लगा। चुप कर जा। डैड। अरे पूरा वो दो चुटाला। अब देखूंगा। छोड़ मुझे। बचाओगा तेरी लौंडिया ने मेरे तय। डैड। सुनो। सुन बे चूतिये। 200 करोड़ रुपये और तेरे कारोबार के सारे कागज लेकर भेज दे छोटू में। देख बुरा, जितना पैसा तन्ने क्या है ना पहुंच जाएगा। शाबाश। और एक बात सुन लिया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गया के? रबिया भेज दे तावड़ी, एक दो घंटे का टाइम है तेरे पे, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक से देख अर्जुन, आज चाहे कुछ मर्जी हो जाए, पूरा मन्ना मेरे कदमा में चाहिए। मिल जाएगा सर। शाबाश यार, तन्ने बहुत बड़ी भूल कर दी पूरे। आओ अर्जुन आओ, यो तो कमाल हो गया, चौटाला का पीछ अभी अपना और कारोबार भी। इतनी भी के जल्दी है बुरा, पहला छोरी लिया, असूल तो तने बेरा है मेरे घंटा असूल छोड़ी ने सूलाने बावड़ी बात निकरा करती है। लाओ रही ने। हाथ तोड़ेगा क्या? छोड़। अर्जुन क्या हो रहा है ये सब, ये लोग मुझे क्यों उठा के लाए हैं? एक ट्विस्ट और है तेरे ताई, देखेगा के? चल मैं ये दिखा दूं, लाओ रहा हूं ना। बुरा तने यार और बहुत बड़ी गलती कर दी। ये पैसा भी मेरा और ये लड़की भी मेरी। गंजे आजा। चो पकड़ू मैं।
चौटाला साहब कही थी ना, मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। यो पड़ा थारे कदमा में, जो करना है इसका कर लो। शाबाश अर्जुन। मेरी सासू के ना लत्ते और गंदे कर दिए। अर्जुन तना यो कहानी तो जरूर सुनी होगी कि महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कौरवा ने चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और आज अभिमन्यु का बाप अर्जुन खुद हमारे चक्रव्यूह में फंस गया। रे बावली बूछ, तने क्या लगे था चुटाना साहब के लगदारी करूंगा? अभी तो कई राज खुलने बाकी हैं। क्या? अरे पकड़ो रही ने। अर्जुन ये हमारी नजर तो चौटाला साहब के पैसे और उसके कारोबार पे थी, बस उसी को हड़पना था, हड़प लिया हमने। अरे चल बेटे, बकचोदी खत्म, निकल ले अब। खड़ू कहा था ना भूरा, मेरे होते चौटाला साहब की गर्दन तो बहुत दूर की बात है, उनकी उतारी हुई जूती को भी नहीं छू सकता। शाबाश कालू। चौटाला नहीं, चौटाला साहब। तन्ने की सोची चौटाला, प्लान सिर्फ तू ये बना सके। कालू तय कदे मरे ही ना था। गद्दार! कितनी अजीब दुनिया है ना अर्जुन, कौन अपना है और कौन पराया पता ही नहीं चलता। हाँ चौधरी साहब, काम हो चुका है। श्रेया भी यहीं है, बात कीजिए। हाँ जी पापा, आप जल्दी आ जाइए, डैड ने सब कुछ खराब कर दिया है। हाँ मैं ठीक हूँ पापा। शिकारी शिकार होने खुद आ रहा है। हर हर महादेव।
गड मारे उबाले ब्लड हलका तू जानिए ना छोरे उर सारे स्टड रियल लॉजिक गैंगस्टा खाते नारे पास्ता गुड़ गेल चाबे रोटी लासी गेल नास्ता छोरिया ते रखा नारे बोत गणा वास्ता जे रोड पे रे गाड़ी मारी दिल्ली आला रास्ता ले लिए डिटेल चाहे जाके किसी थाने में चौधर तू देख लिए आगे हरियाणा में।